हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस मॉडर्न इंडिया। हम लोगों ने बिगनिंग से एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ लिया और 1772 तक क्लाइव का ड्यूअल गवर्नमेंट रहता है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज़ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने भेजा है, वॉरेन हेस्टिंग्स को चार्ज दिया है दैट यू शुड लुक आफ्टर और एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत का सिस्टम चलाते हैं, वरना उनका व्यापार ख़त्म हो सकता है। इस ये सोचकर भेजते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस तरीके से शुरू हो जाता है द सिस्टम ऑफ गवर्नर्स जनरल, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 to 85। डेट्स आपके यहाँ नाम नहीं आएंगी। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज मेड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाई वर्च्यू ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत के लिए अंग्रेजी पार्लियामेंट में जो पहला कानून पास हुआ, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कानून पास हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया जाता है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले तीन गवर्नर्स होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड दिस बंगाल। नाउ these two governors will subordinate to governor general of bengal in this capacity, warren hastings will be called governor general of bengal, so he became the first governor general of bengal। aisa use banaya gaya hai under the provisions of regulating act 1773। regulating act 1773 is the first act passed in the parliament of england to regulate india। aur agar waise dekha jaye to hamare samvidhan ki shuruaat bhi कुछ यहीं से, लॉ मेकिंग की शुरुआत भी कुछ यहीं से होने लगती है। तो देयर वॉज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बनती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता, फाउंडेड बाय विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाई विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने फाउंड की है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड लेटर विलियम जोन्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम इंटू इंग्लिश। यूजली दिस क्वेश्चन इज आस्ट, कालिदास की किताब है शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शाकुंतला की कहानी जो गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी संस्कृत में, उसी का अंग्रेजी अनुवाद होता है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, बाद में होगा विलियम जोन्स ने किया है, एंड विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी समय किसी चार्ल विल्किंस नाम के व्यक्ति ने किया है भागवत गीता का अनुवाद इंग्लिश में, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया। ये बात का डेवलपमेंट है विलियम जोन्स का ट्रांसलेशन, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया है। अब करने वाले का नाम था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल विल्किंस इन द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स ऑन द स्पॉन्सरशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इंटू इंग्लिश, और इस ट्रांसलेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडियन लॉ की नॉलेज में काम करने वाले लोगों के लिए, इंडियन लॉ की नॉलेज रखने वाले लोगों को ट्रेन किया करवाया है, और 1781 में फाउंड किया है कलकत्ता मदरसा। वॉरेन हेस्टिंग्स फाउंडेड कलकत्ता मदरसा सो दैट ही कैन हैव सम पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन द इंडियन लॉ, पर्शियन लॉ, जो भारतीयों के ऊपर वो लागू करेगा। तो उसने शुरू किया है कलकत्ता मदरसा।
शुरू हो जाता है कलकत्ता मदरसा एंड वॉरेन हेस्टिंग्स स्टार्टेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज में, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक पद शुरू हुआ है कलेक्टर का। वॉरेन हेस्टिंग्स स्टार्टेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, उसने कलेक्टर का पद शुरू करवाया है। वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया जाता है और उसके खिलाफ चलता है इम्पीचमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। बस आप इतना याद करिए कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके लिए, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट चला था। तो द ओनली गवर्नर जनरल हु फेस्ड इम्पीचमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। यू नो इम्पीचमेंट, जब पार्लियामेंट्री वोट से किसी को हटाया जाए दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति का होता है इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड CAGI, इन सबको इम्पीचमेंट से हटाया जाता है, महाभियोग। सो द ओनली गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु फेस्ड इम्पीचमेंट एवर वॉज ओनली वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके किसी और के खिलाफ ही आज तक, इंडिपेंडेंस से पहले भी नहीं आया, बाद में भी नहीं आया। फिर आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कुछ उस समय भेजा गया था जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है, और इसके बाद बना है यूएसए, जा 13 कॉलोनीज मिलके अंग्रेज़ों से आज़ादी लेती हैं और बनाती हैं यूएसए, और 1787 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। वर्ल्ड में पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेंड बाई अमेरिकन्स विच केम इन टू बींग इन 1787। ये आपके एग्जाम में काफ़ी पहले आ चुका है PSU में। सो इट वॉज आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्हीं दिनों इट वॉज कॉर्नवालिस हु वॉज डिफीटेड बाई जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन उस समय हुआ करते थे और कॉर्नवालिस ही वहाँ पर हारा था, और उसके बाद उन लोगों ने मिलके फिलाडेल्फिया में एक कांग्रेस की है और बना लिया है अपना संविधान। द फर्स्ट मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड वॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट वॉज कॉर्नवालिस हु वॉज डिफीटेड ओवर देयर। इसे यहीं भेज दिया जाता है भारत की तरफ, और इसलिए ये कहा गया कि लॉस ऑफ ए कॉलोनी वॉज फॉलोड बाई गेन ऑफ ए कॉलोनी, है ना। उधर अमेरिका हाथ से निकला था और इंडिया हाथ में आ रहा था, इसलिए कहते हैं कि इधर अमेरिका गया था और इंडिया को कैप्चर करते जा रहे थे। तो लॉस ऑफ एन एम्पायर वॉज फॉलोड बाई गेन ऑफ एन एम्पायर, अमेरिका निकला है और वो आ गया है। तो बाई द वे हुई थी 1775 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉर्नवालिस वॉज डिफीटेड, सो ही वॉज फाइनली सेंट टू इंडिया, इंडिया भेज देते हैं उसे। कॉर्नवालिस आता है और उसने ज़्यादा, उसे माना गया रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट 1793, ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी व्यवस्था, ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। रेवेन्यू कलेक्शन का है जिसमें जमींदार विल गो फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। अंग्रेज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, रेवेन्यू था भारत में, क्योंकि भारत के रेवेन्यू से ही तो वो सामान खरीद के भेजेंगे इंग्लैंड। तो अब वो भारत, पैसे के साधन भारत में ही ढूंढने लगे हैं। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कलेक्टर की पोस्ट शुरू हुई थी, और रेवेन्यू कलेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए उसने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया है, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, जिसमें भारतीय जमींदार, जो जमींदार हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जिसका 89% कंपनी को जाएगा और 11% जमींदार अपने पास रख लेगा। ये जो सिस्टम था जिसमें जमींदार को 11% का बेनिफिट मिलना है, और इसके ऊपर जो भी आ जाए, मतलब जो हमने बता दिया आपको कि 100 रुपया आपको रेवेन्यू लेना है, उसमें 89 रुपीज़ कंपनी को दे देंगे, 11 आप रखेंगे, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, 100 के ऊपर किसानों से आप जो वसूल पाए आप वसूल लीजिए। ये जो सिस्टम था कहलाता था परमानेंट सेटलमेंट, और एक ऐसी क्लास डेवलप हो गई थी विच ऑलवेज रिमेंड सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉल्ड जमींदार्स। इन्हीं के लिए फिर लैंड रिफॉर्म्स, इन्हीं को, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए थे,
जमींदारी एबॉलिशन पास हुआ था, संविधान में शेड्यूल 9 ऐड हुआ था, जितने जमींदारी एबॉलिशन लॉज हैं सब शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। आपको याद होगा कि संविधान में तो 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, नवा जुड़ा था, और जो पहला अमेंडमेंट संविधान में हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, उससे शेड्यूल 9 जुड़ा था जिसमें जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया गया था। ये शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस इज ऑल्सो नोन फॉर स्टार्टिंग द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। इसने डिस्ट्रिक्ट जज का पद शुरू किया है, जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ही स्टार्टेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इज ऑल्सो नोन फॉर बिगनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इसने कंपनी की नौकरियां शुरू की हैं जिन्हें आज हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। तो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज एज ही स्टार्टेड। कंपनी की नौकरियां एक्सक्लूसिव थी, हर एक के लिए अलाउड नहीं थी, ओनली अंग्रेज उसमें काम कर सकते हैं। तो शुरू हुई थी सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इसने शुरू किया है संस्कृत कॉलेज बनारस में। कॉर्नवालिस स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791-92 में। ही स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज इन बनारस। तो दिस वॉज कॉर्नवालिस। आफ्टर कॉर्नवालिस देयर वॉज वेलेसली। फिर आएगा एक वेलेसली 1798-1805। बीच में जॉन शोर आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है वेलेसली। वेलेसली इज नोन फॉर इम्पोजिंग सब्सिडरी अलायंस। इसने शुरू किया है सब्सिडरी अलायंस विथ इंडियन स्टेट्स। जितनी भारतीय राज्य हैं, राजा वगैरह रियासत हैं, उसको सिस्टम को कैप्चर करने के लिए उसने साइन करवाया है सभी भारतीय राज्यों से सब्सिडरी अलायंस कि यू शैल वर्क अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जितने भारत के राज्य हैं इनको सबॉर्डिनेट किया जाता है, और उसने साइन करवा लिया है सब्सिडरी अलायंस। जो भी भारतीय राज्य है उसका डिफेंस प्रोटेक्शन कंपनी के हाथ में है। आप किसी और देश को हुआ ये है, इन दिनों फ्रांस में नेपोलियन हुआ करता है, और नेपोलियन ने पूरे यूरोप को लगभग घेर लिया है, कैप्चर कर लिया है, और नेपोलियन इंडिया में अटैक करने वाला है ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों को। और फ्रांस इंग्लैंड की यूरोपियन लड़ाई चल रही है, इंडिया में भी चली थी कार्नेटिक वॉर्स के तौर में, बीच में रुक गया था मामला, लेकिन फिर लग रहा है अंग्रेज़ों को कि नेपोलियन शायद रशिया की मदद से भारत पर अटैक करेगा और कैप्चर कर लेगा भारत को। इससे पहले कि ऐसा हो, लेट अस कैप्चर इंडियन स्टेट्स, क्योंकि इंडियन स्टेट्स में देखा गया है कि ये लोग फ्रेंच सैनिकों को, ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, और अगर नेपोलियन अटैक करेगा तो ये जितने भारतीय राज्य हैं ये सब सपोर्ट करेंगे नेपोलियन को। तो इससे पहले कि ऐसा हो, इन सभी राज्यों को हम कैप्चर कर लेते हैं। तो इसने सभी राज्यों पे थोप दी है सहायक संधि कि यू शैल वर्क अंडर दिस, और आपको जितनी भी सहायता चाहिए है प्रोटेक्शन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, आप किसी और देश के सैनिक और अधिकारी अपने यहाँ भर्ती नहीं कर सकते। सभी राज्यों को साइन करना पड़ गया है सब्सिडरी अलायंस, लेकिन जो सबसे पहले जिसने साइन किया था वो था हैदराबाद, ये याद रखना है। सबसे पहले हैदराबाद ने साइन किया है, फिर मैसूर ने साइन किया था एज टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन 1799 इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। बेसिकली ये टीपू सुल्तान ही था जिसने फ्रांसीसियों को अपने यहाँ रिक्रूट किया है, एक बहुत बड़ी आर्मी बना रहा था
मॉडर्न आर्मी बना रहा था, मेडिवल एज जैसा राजा, लेकिन मॉडर्न आउटलुक का था, वो था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान से बहुत बड़ा खतरा था, और टीपू सुल्तान के मैसूर जैसा ही हैदराबाद और पंजाब सभी राज्य उस समय कर रहे थे। तो इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों का दखल भारत में ख़त्म करने के लिए सभी को कैप्चर कर लेता है। टीपू सुल्तान मानने को तैयार नहीं था, तो टीपू सुल्तान के साथ लड़ी गई है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली के साथ लड़ी गई थी, और उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ये मार देते हैं इन द श्रीरंगापट्टनम फोर्ट। टीपू सुल्तान का फोर्ट था श्रीरंगापट्टनम। तो श्रीरंगापट्टनम के फोर्ट में टीपू सुल्तान वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों से वो लड़ रहा था, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद ये जो मैसूर के जो राजा हुआ करते थे वोडियार डायनेस्टी रूल करती थी। बेसिकली वोडियारों से ही छीना था हैदर अली ने क्या मैसूर, और हैदर अली बना देता है सल्तनत ऑफ मैसूर। तो वोडियार राजा को वापस किया जाता है, और वोडियार राजा को फोर्स करते हैं कि मैसूर शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। दिस वे मैसूर वॉज द सेकेंड स्टेट विच साइंड सब्सिडरी अलायंस, बट नॉट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। 1801 से लेकर 1805 तक बाकी लोगों ने साइन कर दिए हैं। अवध ने साइन कर दिया है, कुछ मराठाज ने साइन कर दिया है। तो जितने बड़े इम्पॉर्टेंट राज्य हुआ करते थे, हैदराबाद है, मैसूर है, बंगाल उनके पास था ही, अवध है, मराठाज हैं, इन सब से साइन करवा लेता है वो सब्सिडरी अलायंस। दिस वे ए मेजर पार्ट ऑफ इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश थ्रू वेलेसली व्हेन ही फोर्स देम टू साइन सहायक संधि, कि हम आपकी सहायता करेंगे। बेसिकली कहा जा रहा है सहायता, बेसिकली तो राज्यों को हड़पने का विचार है। अब उन राज्यों का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा? कंपनी चलाएगी। अब ये राज्य आज़ाद नहीं हो सकते हैं, कंपनी के सपोर्ट में, कंपनी के अंडर में ही काम करेंगे। जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत बगावत होगी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाएगी, वो भी दबा दी जाएगी। और 1857 तक आते आते कोई राज्य नहीं है जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट बोल सके। ये वेलेसली ने कर दिया था, इसलिए कहते हैं कि वेलेसली ने सबसे ज़्यादा एरिया जोड़ा है, कई सारे राज्यों को उसने कैप्चर कर लिया है। उधर विलियम बेंटिक है, मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वंस बता रहा हूँ। विलियम बेंटिक के समय 1829 में पास हुआ है सती एबॉलिशन एक्ट। सती एबॉलिशन एक्ट राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय ने इस पे काफ़ी काम किया है। राम मोहन रॉय की वजह से बेंटिक ने पास किया था सती एबॉलिशन एक्ट 1829 में। याद रखेंगे द फर्स्ट सोशल इविल अगेंस्ट विच अ लॉ वॉज पास्ड इन इंडिया वॉज एबॉलिशन ऑफ सती। सती एबॉलिशन एक्ट वॉज पास्ड बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ हु? योर आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, उनको ये टाइटल दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। द टाइटल ऑफ अकबर टू टू राम मोहन रॉय, द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय वॉज गिवन बाई मुगल एम्परर अकबर टू जस्ट बिफोर बहादुर शाह जफर। जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनसे पहले वाला जो मुगल एम्परर था, उसका नाम था अकबर टू 1837 और 1806 से लेकर। अकबर टू ने इनको टाइटल दिया था राजा। ही वॉज राम मोहन रॉय, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इसलिए जब राम मोहन रॉय जैसे लोग हुए 19th सेंचुरी, इसे कहते हैं एज ऑफ रीजन, मतलब रूढ़िवादिता से ऊपर उठो, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को ख़त्म करो। लॉजिकल है तो समझो, चाहे शास्त्र कहते हो, चाहे सदियों से चला आ रहा हो, सती लॉजिकल नहीं है तो नहीं है। इसलिए उन्होंने भारतीयों को रीजन करना सिखाया, सही सोचना सिखाया, एजुकेशन की वैल्यू बताई, रैशनल थिंकिंग सिखाई। इसलिए जब वो हुए तो उस पीरियड को कहते हैं भारत में एज ऑफ
रीज़न, जैसे वहाँ रेनेशां हुआ था इटली में और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आई थी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आया था, नए विचार को जन्म मिला था, पुनर्जागरण हुआ था, ऐसे ही भारत में ये कहलाता है पीरियड ऑफ इंडियन रेनेशां, एज ऑफ रीज़न और पीरियड ऑफ इंडियन रेनेशां, भारतीय पुनर्जागरण के जनक ओबियसली माने जाएंगे राम मोहन रॉय। सो इनकी सेंचुरी जब ये हुए थे कहलाती थी एज ऑफ रीज़न। तो सती एबोलिशन पास हुआ था बिकॉज ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय पास हुआ है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जैसे पहले एक्ट आया करते थे ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, ऐसे ही आने लगे थे चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट 1813 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी, इसको बनाया गया है बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, अब इस पद का नाम हो गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब तक कहलाते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो। यही भारत का पहला गवर्नर जनरल है, इससे पहले वाले कहलाते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और यही था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट पास होने लगे हैं, एक पास हुआ था 1813 में इससे पहले और 20-20 साल में आते थे। 1833 से पहले 1813 में आया था और 1813 के चार्टर कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, उनके व्यापार के एक्सक्लूसिव अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे और इंग्लैंड की सारी कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सकती हैं। तो ये कंपनी की एंड की शुरुआत थी जब 1813 के चार्टर कानून में उनकी ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, बस एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार थे। और 1833 से लेकर 20 साल बाद आया 1833 में, यहाँ थोड़ी बहुत मोनोपोली रह गई थी, कुछ एरिया दे दिए थे, 99% ख़त्म कर दिया था, यहाँ पूरी तरीके से ही ख़त्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी, अब कंपनी के पास जो थोड़ा बहुत एरिया छोड़ दिया था व्यापार के लिए वो भी ख़त्म हो जाएगा इन चार्टर एक्ट 1833, ये चेंज आ जाएगा। इधर 1835 में पेंटिक के समय एक मकॉलेज रिपोर्ट आई है जिससे भारत में शुरू हो जाती है इंग्लिश एजुकेशन। 1835 में शुरू हुई है भारत में इंग्लिश एजुकेशन। 1835 में टीबी मकॉले नाम का एक व्यक्ति है, उसने बोला है कि अंग्रेजी शिक्षा को इम्पोज किया जाए। इस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू होती है 1835 में और मकॉले रिपोर्ट का संबंध की शिक्षा पद्धति से है, इंग्लिश एजुकेशन से संबंध है मकॉले रिपोर्ट का। इस तरीके से कुछ इंग्लिश एजुकेशन भारत में शुरू हो जाती है इन द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक। फिर आएगा आगे चलकर डलहौजी 1848-56 आएगा डलहौजी, और डलहौजी भारतीय राज्यों पर जो राज रह गए हैं उनके ऊपर लागू कर देगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर देगा, दैट इज इफ नो रॉयल सक्सेसर देन द ब्रिटिश हैज एवरी राइट टू कैप्चर द स्टेट। समझ लीजिए, अगर राज्य में राजा निजाम या कोई जो भी रूलर हैं, अगर वो अपना उनका अपना पुत्र नहीं है, वो अपना रॉयल सक्सेसर नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में किसी दत्तक पुत्र को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, ऐसे में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ये उस राज्य को कैप्चर करना अलाउ करती है। दैट इज एडॉप्टेड सन्स कुड नॉट इनहेरिट द थ्रोन, गद्दी। दत्तक पुत्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है, जहां जहां ऐसी स्थिति है वो लगा देगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
और 1848 में जो सबसे पहले राज्य कैप्चर हुआ था डॉक्टर ऑफ लेस में वो था सतारा, महाराष्ट्र में सतारा राज्य वॉज द फर्स्ट केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट केस था झांसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, वेल नोन केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वॉज झांसी। तो इसने बहुत सारे राज्य कैप्चर किए हैं, उनमें सतारा पहला था, झांसी सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसने लागू कर दी है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स 1848 में, वो ये बाकी राज्यों को कैप्चर करना शुरू कर देता है। डलहौजी ने बाकी काम छोड़ा हुआ निपटाया है और राज्यों को कैप्चर किया है। ही कैप्चर्ड अवध, वैसे तो अवध सब्सिडियरी अलायंस में है, वो कंप्लीट कैप्चर नहीं था, लेकिन अब ये कंप्लीट कैप्चर कर लेगा और 1856 में ये अवध कैप्चर कर लेगा, ये बताते हुए कि अवध का राजा वाजिद अली शाह, जो अवध का नवाब है, वाजिद अली शाह इज मिस रूलिंग हिज पीपल, क्योंकि आप अपने लोगों के ऊपर अच्छा शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अवध के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए कैप्चर किया जाता है अवध। और अब अवध प्रोविंस बन गया है, प्रोविंस भारत के वो राज्य हुआ करते थे जिन्हें अंग्रेज सीधे चलाते हैं, और रियासतें वो होती थी जिन्हें अंग्रेज इंडायरेक्टली चलाते थे थ्रू राजा निज़ाम या रूलर के थ्रू। तो अवध इससे पहले तो प्रिंसली स्टेट था, अब अवध बन गया है क्या, प्रोविंस, मतलब अब अवध कम्प्लीटली अंग्रेज चलाएंगे। 1856 में वो अवध भी कैप्चर कर लेता है और लगभग पूरा भारत कैप्चर हो जाएगा, जब 1849 में उसने एक और बड़ा राज्य कैप्चर कर लिया है, पंजाब, फ्रॉम द फैमिली ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 1849 में पंजाब कैप्चर कर चुका है और पंजाब से ही निकाला गया था कश्मीर एंड सोल्ड टू डोगरा राजा गुलाब सिंह। पंजाब को कुछ मुआवजा देना था अंग्रेज़ों को, वो मुआवजा पंजाब नहीं दे पा रहा था, तो उस मुआवजे के बदले गुलाब सिंह ने मुआवजा दिया है और कश्मीर ले लिया है। दिस वे डोगरा किंग गुलाब सिंह को दे दिया गया है कश्मीर, विच वॉज पार्ट ऑफ पंजाब। दिस वे कश्मीर बिकेम अ प्रिंसली स्टेट। इस समय ही पंजाब, वैसे पंजाब का पार्ट होता था कश्मीर, तो दिस वे डलहौजी के समय तक आते आते दे हैड कैप्चर्ड द होल ऑफ इंडिया। उस समय पंजाब का मतलब था द होल ऑफ पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब उस समय हिमाचल वगैरह ये सब पंजाब कहलाता था, ईरान बॉर्डर्स तक, अफगानिस्तान बॉर्डर तक, बहुत बड़ा किंगडम होता था पंजाब का। कश्मीर हैड नाउ बिकम अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाई गुलाब सिंह एंड हिज फैमिली अनटिल लेट। करण सिंह है ना, करण सिंह, हरी सिंह, करण सिंह, जो इस समय करण सिंह कांग्रेस के MP हैं, ही इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ गुलाब सिंह। दिस वे कश्मीर बिकेम अ प्रिंसली स्टेट इन 1849। ही कैप्चर्ड पंजाब फ्रॉम द फैमिली ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने किंगडम ऑफ पंजाब बनाया था। पूरा भारत कैप्चर हो जाता है बाय द टाइम ऑफ डलहौजी। डलहौजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज, उसने रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस किया है 1853 में, पैसेंजर रेलवे शुरू हुई है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि द फर्स्ट रेलवे, पैसेंजर रेलवे ट्रेन वॉज, इट मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। रेलवे पे काम तो काफ़ी पहले चल रहा था, बट फॉर्मली रेलवे शुरू हुई है इन द टाइम ऑफ डलहौजी 1853 में। बॉम्बे टू थाने उसने रेलवे सिस्टम चलाया है। डलहौजी ऑल्सो इज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट ऑफिस सिस्टम, उसने पोस्टल स्टैम्प्स शुरू किए हैं भारत में। पोस्ट ऑफिस व्यवस्था का ही सिस्टम था टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम का ही सिस्टम था टेलीग्राफ सिस्टम, इसलिए डलहौजी को बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। 2013 में भारत सरकार ने टेलीग्राफ सिस्टम एंड कर दिया। इट वॉज स्टार्टेड बाई डलहौजी इन 1854 में ये शुरू हुआ था। इट वॉज पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सिस्टम, पोस्टल स्टैम्प शुरू करता है, टेलीग्राफ सिस्टम शुरू करता है, और 2013 में भारत सरकार ने इस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। डलहौजी हैज़ बीन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, वो कहलाता है फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। डलहौजी के समय एक रिपोर्ट आती है वुड्स डिस्पैच,
रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। भारत में सबसे बड़ी रिपोर्ट कहलाती है शिक्षा की अंग्रेजों के समय में। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड एक व्यक्ति है, उसके नाम पर है ये रिपोर्ट वुड्स डिस्पैच। दिस इन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल देयर वाज अ रिपोर्ट कॉल्ड वुड्स डिस्पैच कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। इसलिए ये कहलाती है भारत में मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जैसे फर्रुख सियार का फरमान कहलाया था व्यापार का मैग्ना कार्टा, उसी तरीके से रिपोर्ट कहलाती है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। भारत में पहली बार पूरा प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की एक शिक्षा पद्धति इंग्लैंड से रिपोर्ट बन के आई है। नाम था वुड्स डिस्पैच, इट वॉज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जैसे मैकॉले की रिपोर्ट से अंग्रेजी शिक्षा स्थापित हुई थी, ऐसे ही पूरी शिक्षा का खाका खींचा गया था बाई वर्च्यू ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854। यह डलहौजी है और 1856 में डलहौजी चला गया है, लेकिन डलहौजी ने जाने से पहले जो शास्त्रागार है वो कलकत्ता में था, जहाँ आयुधगार था, जहाँ आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे जाते थे। द बिगेस्ट ऑर्डिनेंस डिपो ऑफ कंपनी वॉज इन वेयर कलकत्ता, ही शिफ्टेड इट टू मेरठ। मेरठ शिफ्ट कर देता है। और इस तरीके से जब डलहौजी चला जाता है तो हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरीके से कंपनी के 100 साल हो गए हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी ने 100 साल रूल किया है, और 100 सालों में उन्होंने पूरे भारत को कैप्चर कर लिया था, रेवेन्यू व्यवस्था कैप्चर कर ली है, एजुकेशन अपनी थोप दी है, सोशल लॉज अपने थोप दिए हैं। इस तरीके से ऐसा कोई एंगल नहीं है भारत का, डायमेंशन नहीं है जो अंग्रेज़ कैप्चर ना कर चुके हों। इन 100 सालों के मिसरूल की वजह से सैनिकों ने बीड़ा उठाया, जो भारत अंग्रेजी कंपनी में ही काम करते थे सैनिक के तौर पे, उन्होंने शुरू किया है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम आगे ले लेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ, चाहकर भी आपके वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ, इस आई एम सो सॉरी। UPSC AE के लिए तो हमने एक कोर्स शुरू किया था, एक्चुअली CIL तो मुझे आइडिया नहीं था CIL का, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई एम सो सॉरी कि मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिलहाल CIL के लिए दोनों कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी। थैंक यू।